इसे देख रहे हो सिटी होम न्यूज़, मैं हां नलिनी। डिप्टी कमिश्नर पठानकोट कम नगर निगम कमिश्नर पठानकोट सरदार हरबीर सिंह वालों नगर निगम पठानकोट दी बिल्डिंग ब्रांच टीम नाल डलहौजी रोड दा अचनचेत दौरा कीता अते नजायज बन रहियां बिल्डिंगां दी जांच कीती। इस दौरान दो बिल्डिंग जो कि डलहौजी रोड विखे स्थित सुख सदन हस्पताल दे सामने निर्माण कीता जा रहा सी, बिल्डिंग नूं मौके ते सील कीता गया। इस मौके ते होरनां तों इलावा सुरेंद्र सिंह MTP नगर निगम पठानकोट, हरकिरण कौर ATP नगर निगम पठानकोट आदि अधिकारी भी मौजूद सन। जिक्र योग है कि सरदार हरबीर सिंह डिप्टी कमिश्नर पठानकोट वालों डलहौजी रोड से करीब 10 से 15 बिल्डिंग जिन्हों का निर्माण किया जा रहा है की जांच की। इस मौके पर डलहौजी रोड से स्थित दो बिल्डिंग जिन्हों नगर निगम वालों वार बार नोटिस जारी करने भी काम बंद नहीं किया गया सी, उन्होंने बिल्डिंग नू सील भी किया गया। जानकारी देंदिया सरदार हरबीर सिंह डिप्टी कमिश्नर पठानकोट ने कहा है कि आम जनता को लगातार अपील की जा रही है कि किसी भी तरह का निर्माण कार्य शुरू करने तो पहला उसके सारे कागजात अते नक्शा पास करवाया जाए। उन्होंने कहा कि अज जिन्हां बिल्डिंग की जांच की गई उन्होंने दो बिल्डिंग का काम चल रहा है जिन्होंने नगर निगम पठानकोट वालों पहला भी नोटिस जारी किए गए हैं, पर इन्हां बिल्डिंग के किसी तरह का कागजात या नक्शा नहीं दिखाया गया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद काम चल रहा है, इन्हों दो बिल्डिंग को अज सील किया गया है। उन्होंने इस मौके होर की कुछ कहा, तुसीं भी सुनो। कमिश्नर कारपोरेशन के अंदर जिन्नी भी साडा एरिया पैंदा हैगा उहदे विच जिन्नी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो रेगुलेट होनी चाहिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, और जे कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग बनती है वह प्रॉपर नक्शा पास होना चाहिए हैगा। वो जिहड़ियां बनदियां फीस हैगियां वो सरकारी खाते जमा होना चाहिए, जो कि नहीं करता तो वो इलीगल बिल्डिंग बनाता है और गवर्नमेंट की जिहड़ी सारा मालिया है वो चीज़ नुकसान करता है। इसी सिलसिले से अज मैं अचनचेत अपने स्टाफ में लैके यदा पैदल सारा निरीक्षण किया है। कुछ बिल्डिंग साड़ी निगाह चाहिए हैं, एक बिल्डिंग ऐसी दो बिल्डिंग ऐसा भी हैं जिन्होंने पहला नोटिस करते हैं कि वो इलीगल है तो तुम अपने नक्शे पास कराओ, उन्होंने ना करने की बजाय हो बना लिया है। वो बिल्डिंग दो बिल्डिंग तो उन्हें सील कर दी गई हैं और जो तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं आए तो उन्होंने जो अपनी बंदी कर रही है डेमोलिशन में जो सब कुछ किया जाएगा। और मेरी सारे नगर निवासियों पठानकोट के शहरियों को अपील है कि कोई भी अपनी किसी बिल्डिंग बनाने हो उसका जरा नक्शा हैगा जो है काइंडली जी भी अथॉरिटी है इंप्रूवमेंट ट्रस्ट या साड़ी जी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसको जरूर पास करवाओ। नहीं अपलाई इज नॉट नक्शा पास हो गया ना जी, नक्शा पास होगा तो करोगे ठीक है, थोड़ा नक्शा पास होगा तुम बिल्डिंग बनाओगे कि नक्शा पास। अरे मैं अप्लाई करता तो मैं 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी करता, वो भी इलीगल, वो कोई उन्होंने पैरामीटर नहीं छड़ा होगा। सर उन्होंने कहा कि निगम बहुत टाइम लगा रहे हैं नक्शे पास नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, साडे को कोई पेंडिंग नहीं पे है। नक्शे तो अलावा सर और की फॉर्मेलिटी जी कंस्ट्रक्शन की जरूरी है गुमराह कर रहे हैं। पठानकोट तो आलोक कुमार की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।